हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है रिसर्च एसोसिएट थे। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्टेड है और आप जो है रिसर्च का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और अपने जो पेपर्स वो पब्लिश करने चाहते हैं किसी भी इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो आप जो है ये नोटिफिकेशन को पूरा देखें। इसमें मैंने जो है थ्री डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो आरए की पोजीशन निकली है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि ये जो रिसर्च एसोसिएट की जो पोजीशन है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में निकाली गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसमें जो है रिसर्च एसोसिएट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो नेम है और ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट का है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अगर हम बात करें नेम ऑफ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट है अ नोवेल वैक्सीन इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट सार्स कोविड टू वैक्सीन डेवलपमेंट रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कोविड-19 से रिलेटेड है और जो वैक्सीन की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको वैक्सीन में इंटरेस्टेड है कि आपको देखना है और रिसर्च करनी है कि ये कैसे जो वैक्सीन उसका फुल डेवलपमेंट होता है, तो आप जो है ये प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने टेंटेटिव डेट भी दे रखी है, तो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 31 अगस्त 2022 तक रहेगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने पोजीशन भी मेंशन कर रखी है। तो ये जो रिसर्च एसोसिएट है, जो पोस्ट है उसका नाम रिसर्च एसोसिएट है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो इसका पीआई है उनका भी नेम मेंशन कर रखा है, तो ये डॉक्टर निमेश गुप्ता SS4, ठीक है। तो उनके डॉक्टर निमेश गुप्ता के अंडर ये जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हुआ है। अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको पीएचडी होना मैंडेटरी है लाइफ साइंसेज में। अगर आप पीएचडी आपकी वायरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी में है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए और आपके जो है कुछ पब्लिकेशंस भी होने चाहिए इंटरनेशनल जर्नल में। इसके बाद इन्होंने जो एमोलुमेंट है वो भी मेंशन कर रखा है। तो आपको आरए के लिए 47,000 पर मंथ मिलेगा। इसके साथ ही आपको 24% एचआरए भी दिया जाएगा। इसके बाद आपको इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन नॉलेज बोला गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वैक्सीन को डेवलप अगर करना है, या हम बोल सकते हैं जो वर्क होगा वो वैक्सीन को डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ एसेस करने पड़ सकते हैं या आपको सार्स कोविड टू वैक्सीन को जो है वो BSL-2 लैब्स में आपको चेक करना पड़ सकता है या उसका जो है ट्रायल करना पड़ सकता है। तो मोस्टली जो काम होगा वो आपका वाइल्ड टाइप और ट्रांसजेनिक माउस मॉडल पे आपको करना है। मतलब जो भी आपको अगर वैक्सीन आप बना रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे आपको ट्रायल करना पड़ेगा पहले वाइल्ड टाइप या ट्रांसजेनिक माउस मॉडल्स पे। तो ये इन्होंने जॉब डिस्कशन भी दे रखी है। तो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि वैक्सीन कैसे डेवलप करे और उसका क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे जो है मार्केट में आती, तो वो सब चीजों के लिए आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि आपका जो है अगर हैंड ऑन एक्सपीरियंस है एनिमल रिसर्च में या सेल कल्चर या फ्लो साइटोमेट्री में या सेल सॉर्टिंग में, तो ये टेक्निक दे रखी है। अगर आपको ये आती तो आपको सिविली यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद वही जनरल से थिंग कि आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। आपको जो अगर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको बाई मेल आपको जो है मेल सेंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर डेट और टाइम जो इंटरव्यू का है वो भी आपको बाई मेल सेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको अपना सीवी भी सेंड करना है, अलॉन्ग विद दैट आपको 3 जो है रेफरेंसेस भी सेंड करने हैं। तो इसके बाद इन्होंने जो है पेस्काई फॉर्मेट दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मेट में फॉर्म फिलअप करना है और सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आप अगर आप इंटरेस्टेड है व्यक्ति वैक्सीन डेवलपमेंट में तो आप जो है ये पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा आरए पोजीशन। दूसरा आरए जो पोजीशन है वो अलगप्पा यूनिवर्सिटी में निकला है। इसके लिए इन्होंने जो टाइटल दे रखा है प्रोजेक्ट का वो है एक्सपेरिमेंटल एंड कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी स्टडीज फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, और उसको फंड किया MHRD RUSA 2.0 ने। अब इन्होंने जो पोजीशन निकाली वो भी आरए की है और जो पोजीशन है वो 1 है। साथ ही जो ड्यूरेशन भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ड्यूरेशन 31 मार्च 2021 है। एमोलुमेंट्स यहाँ पे जो आपको फेलोशिप मिलेगी वो आपको मिलेगी 55,000 कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एचआरए एचआरए कुछ नहीं मिलेगा, जो टोटल आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 55,000 मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको पीएचडी डिग्री होना चाहिए। अगर आपने थीसिस सबमिट कर रखा है तब भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए स्ट्रक्चर बायोलॉजी प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में। इसके साथ ही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन भी होनी चाहिए, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन होने चाहिए इंटरनेशनल जर्नल में। अब जो इंटरव्यू देखिए मेंशन कर रखा है कि आपको सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या गूगल मीट के थ्रू इंटरव्यू आपका लिया जाएगा।
उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को मेल दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है लिंक दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और जो लास्ट डेट उन्होंने मेंशन की वो 8 सितंबर 2020 टिल 5 PM, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको CV अपना सेंड करना है अलॉन्ग विद दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स और फ्रॉम द रिसर्च सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन वे लास्ट स्टडी। मतलब आपने जाके अगर PhD कंप्लीट कर ली तो वहां से आपको टेस्टिमोनियल पे आपको जो रिसर्च सुपरवाइजर हेड के सिग्नेचर लेना पड़ेगा और आपको सेंड करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बाई मेल ओनली सिर्फ सेंड करना, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, यहाँ पे बाई मेल ही आप अपनी पूरी टेस्टिमोनियल जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा अगला जो नोटिफिकेशन है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की में। इसके साथ यार इनमें बता रखा है, टाइटल भी दे रखा है प्रोजेक्ट का, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नोज फॉर ऑप्टिमल हार्वेस्टिंग टाइम एंड फूड क्वालिटी नेपाल में बनाया। और जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहा है वो NASF कर रहा है। और जो प्रोजेक्ट पोजीशन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की पोजीशन की, तो इसका जो आरए का जो पोजीशन है वो सिर्फ 1 है। और जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बोली वो है PhD होनी चाहिए आपका एरिया ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। कैंडिडेट विद इन डेप्थ नॉलेज इन प्लांट गुड रेगुलेटरी एंड रिसर्च एक्सपीरियंस ट्रांजेनिक लाइन जनरेशन जेनेटिक एनालिसिस। तो ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है मतलब कि टॉपिक दे रखे, अगर आपको इसकी डेप्थ नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो अगर हम बात करें एमोलूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको 54,000 जो है पर मंथ आपका जो एमोलूमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी HR इंक्लूडेड नहीं है। वहीं अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो जो ये प्रोजेक्ट है ये अप टू फरवरी 2021 तक रहेगा और टिल द एंड विच एवर इज अर्लियर। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, टू डिटरमाइन वोलेटाइल मेटाबोलोमिक्स ऑफ एपिल एंड बनाया जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो इन्होंने ऑलरेडी जो है आपको क्या काम करना वो यहाँ पे थोड़ा उसका डिटेल दे रखा है। कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर इंटरव्यू शैल इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन दे इंटेंड टू अप्लाई, ठीक है। कैंडिडेट डिजायरिंग टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थ्रू ईमेल बाई पोस्ट और प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इन्होंने क्या बोले कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, जैसे एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा प्लेन पेपर में विद डिटेल्ड CV अलोंग विद दैट, आपके डिग्री और सर्टिफिकेट भी आपके हो पास होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री या सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कैंडिडेट शैल ब्रिंग अलोंग विद देम द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपेरिमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन। तो इसके साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए अपने ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट वो भी ले जाने पड़ेंगे। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SC/ST कैंडिडेट ऑन इक्वल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो SC/ST को जो है वो इक्वल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया जाएगा, कोई भी TADA आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर से पहले जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनका जो इंटरव्यू होगा वो 11 AM पे होगा ऑन 21 सितंबर 2020, ठीक है। 21 सितंबर को 11 o'clock पे जो AM मॉर्निंग में आपका जो इंटरव्यू वो लिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कहाँ कहाँ पे जो RA वैकेंसी है वो निकली हुई है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप एलिजिबल तो आप अप्लाई करिए। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।